नाइन्थ क्लास NCERT साइंस अध्याय दो का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस वीडियो में हम अध्याय दो के पाठ के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो पाठ के प्रश्नोत्तर के प्रश्न नंबर एक के जो दो क्वेश्चंस हैं उन दो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बाकी दो दो या तीन तीन क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझते चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो शुद्ध पदार्थ होते हैं एक ही प्रकार के, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए शुद्ध पदार्थ हो गया आपका नमक, तो जो नमक है नमक एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बनता है। नमक में अगर हम रेत मिला दें तो नमक और रेत दोनों अलग अलग कण हो गए, तो नमक और रेत का मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है, केवल नमक एक शुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं आप। तो शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। समान रासायनिक प्रकृति का मतलब हो गया जैसे नमक का जो एक कण रासायनिक अभिक्रिया देगा वही सारे के सारे कण रासायनिक अभिक्रिया देंगे। तो इसका मतलब हो गया जो रासायनिक प्रकृति होती है वो सभी कणों की एक जैसी होती है। तो बस यही बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दो है, इसमें पूछा गया समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। तो समांगी मिश्रण आपका होता है जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में नमक और जल में चीनी। देखिए इसका मतलब हुआ जिस मिश्रण की बनावट समान होती है, बनावट समान होने का मतलब है जो एक दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे अगर हम जल में नमक को मिलाएंगे तो वो नमक है जो जल में घुल जाता है, और जैसे हम एक गिलास में अगर हमारे पास पानी है उसमें अगर एक चम्मच चीनी मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह घुल जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये मिश्रण जो जल और चीनी का मिश्रण है ये समांगी मिश्रण है, और जो जल और नमक का मिश्रण है ये भी आपका समांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण की बनावट समान होती है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की तो इससे अपोजिट हो जाएगा जिस मिश्रण के घटकों की बनावट एक जैसी नहीं होती उसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और रेत। जैसे विषमांगी मिश्रण का मतलब हो गया जैसे लोहे की छीलन में अगर हम नमक मिला दें तो एक विषमांगी मिश्रण होगा। मिश्रण का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए गए हों। जैसे यहाँ पर दिखाया गया लोहे की छीलन में नमक आदि मिला दें तो ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि इसमें जो कण हैं वो लोहे के कण भी हैं और नमक के कण भी हैं, तो ये एक जैसे कण तो हैं नहीं। और इसका मतलब ये हुआ लोहे के कणों में जब हम नमक के कण मिलाते हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिलते नहीं हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं। अलग तो समांगी मिश्रण को भी कर सकते हैं पर ये एक दूसरे में पूरी तरह घुलते नहीं हैं, हम इनको अलग अलग देख सकते हैं। परंतु अगर हम जल में चीनी मिला दें तो वो हमको घुली दिखाई नहीं देती, इसमें आप देख सकते हैं। और सल्फर एवं जल और रेत ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर लौटेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ।